हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे मेंशन हो रहे होंगे। इन स्क्रीनशॉट का क्या मतलब है, आप एक बार इसको रीड कीजिए। सर, एलएनटी एंड ऑयल गैस में मेरा सेकंड राउंड सिलेक्शन हो गया है, इंटरव्यू कैसे होगा। इसका मतलब क्या है कि इंटरव्यू की कॉल डायरेक्टली आ रही है। सिर्फ ये ही नहीं, और भी बहुत सारे अपडेट्स जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। मेरा एलएनटी का जीईटी क्लियर हो गया है एंड आई हैव रिगार्डिंग मेल फॉर माय फर्दर प्रोसेस, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास से बना ली है, ये प्रज्वल रंगारे जी ने कल पोस्ट किया था। वो जो मैंने आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिखाया है वो आज पोस्ट हुआ है। इस तरीके के बहुत सारे नोटिफिकेशन यहाँ आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक नोटिफिकेशन यहाँ है, यहाँ बहुत सारे नोटिफिकेशन सिर्फ जीएसडब्ल्यू का या फिर और भी बहुत सारी वैकेंसी के, सिर्फ एलएनटी का नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपकी जॉब की, जो आपसे, जो आपकी कोई नहीं लेगा, मैं आपकी जॉब की 100% गारंटी लेता हूँ। आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस हैं, मैं आपकी सबकी गारंटी लेता हूँ। बट उसके लिए सिर्फ आपको इतना करना होगा, अप्लाई करते रहना होगा। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो रिप्लाई बिल्कुल नहीं आएगा। अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो आप फर्दर प्रोसेस भी नहीं जान सकते। इसके साथ साथ क्वेश्चन मैं आपसे खाली इतना पुट अप करता हूं, क्या आपने लास्ट वैकेंसी जो मैंने डाली थी उसमें अप्लाई किया, क्या मैंने जो सेकंड लास्ट डाली थी उसमें अप्लाई किया, क्या मैंने उससे पहले जो वैकेंसी डाली उसमें अप्लाई किया। तो शायद आपका जवाब यह होगा नो, क्योंकि आपने अप्लाई किया होगा लास्ट में मैक्सिमम और सेकंड लास्ट में नहीं किया होगा। मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपके जॉब की 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपकी जॉब लगेगी। बट अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो सिर्फ हम बातें ही बना सकते हैं। मैं यहां से वीडियो दूंगा और आप वहां से ये बोलेंगे मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगर आपको रिप्लाई चाहिए और अप्लाई करना पड़ेगा तो यहां भी अप्लाई कीजिए और सारी वैकेंसी में भी अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके मतलब की बहुत जरूरी बात आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सभी दोस्तों के, सभी भाइयों के, सबके एक ही कमेंट आते हैं कि हमें कुछ ऐसा बताइए कि हम एक्स्ट्रा इनकम कर सकें, हमें कुछ ऐसा बताइए कि हम पार्ट टाइम कर सकें, हमें कुछ ऐसा बताइए कि हम विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकें या फिर कम से कम इन्वेस्टमेंट हो। दोस्तों, उसी बिहाफ पे मेरे बहुत दिन से ऐसा चल रहा था कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा लाऊं जो सॉलिड आपकी लाइफ को थोड़ा चेंज कर दे। दोस्तों, ये जो है स्टॉक में आपको आज के टाइम में पता ही है कि कितना पैसा है। हर आदमी स्टॉक एक्सचेंज में, कोई भी बिलियनर या मिलियनर कोई भी ले लीजिए, हर आदमी स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अच्छा अमाउंट लगाता है और वहीं से कमाता है। दोस्तों, बट ये वही कमा सकता है जिसको इसके बारे में फुल नॉलेज हो। अब नॉलेज कैसे मिलेगी हमें नॉलेज, अब इसकी कोई क्लासेस तो होती नहीं है, क्लासेस होती है तो वो बहुत हाईली पेड होती है जिसको हम कर नहीं सकते हैं, प्लस हमारे पास टाइम नहीं होता है। दोस्तों, ये जो ई लर्न मार्केट की तरफ से मैं आपको लेके आ रहा हूं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां आपको 999 लिख रहा होगा, लेकिन इसको फ्री कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्योंकि ये मेरे व्यूअर्स के लिए है, ये स्पेशली मैं आपके लिए ऑफर लेके आया हूं। ये ए टू जेड स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स, और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसके लिए आपको फाइनेंशियल मार्केटिंग, मार्केट्स की पूरी जानकारी मिलेगी। वैलिडिटी कितनी होगी 3 ईयर्स के लिए, लैंग्वेज इंग्लिश में ही, ऑब्वियसली कोई भी चीजें होती है इंग्लिश में ही आज के टाइम कन्वे होती है। प्रोग्राम सेल्फ प्लेस्ड रिकॉर्डेड प्रोग्राम रहेगा, अनलिमिटेड आप देख सकते हैं। और ये बेसिक प्लान रहेगा। इसके साथ साथ हाईलाइट्स आपको क्या मिलेगी, 15+ वीडियोज मिलेंगी आपको। इसके साथ साथ 1 आवर का कंटेंट मिलेगा जिससे आप पूरी ए टू जेड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जान सकते हैं। 5+ सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे आपको, स्टडी मटेरियल की आप उससे कैसे आगे बढ़े। सेल्फ इवेल्यूशन टेस्ट, तो मतलब खुद को जानने के लिए जो टेस्ट होता है वो भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट, यहाँ सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपने ये जो स्टॉक एक्सचेंज का जो कोर्स है वो भी किया है। इसके साथ साथ आपको और क्या मिलने वाला है, अबाउट लर्न से पूरा आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे होगा, आप देखेंगे यहाँ एनरोल नाउ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इसको एनरोल करेंगे तो आपको एक साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस साइन अप करने के बाद आपको यहाँ एनरोल करना होगा। एनरोल में क्या है, इस तरह की शीट ओपन होकर आ जाएगी, तो आपको यहाँ नाम, अपना मोबाइल नंबर, कंट्री और स्टेट और पिन ये डाल देना है। जैसे ही आप इसको डालेंगे आपको इस तरीके की शीट ओपन होकर आ जाएगी। तो आपको क्या कर लेना है, जो आपको कोड मिला है, क्या है वो कोड, EJW100, आपको डिस्क्रिप्शन में ये कोड मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। आपको यहाँ ये कोड डाल देना है। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको कूपन कोड डालना है। जैसे ही आप EJW100 मेंशन करेंगे तो आपके सामने,
आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आप देखेंगे इसकी फीस जो है बिल्कुल जीरो रुपीज़ हो गई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जाइए और ऐसे कोर्सेज आप लीजिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं आपके लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हाईली रिकमेंडेड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ L&T में, ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है। दूसरी बात ये है डिप्लोमा और BTech दोनों के लिए है, प्लस JEE की वैकेंसी भी है और AE की वैकेंसी भी है, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर और इंजीनियर की भी है और सीनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी है। बस आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो रिप्लाई का छोड़ दीजिए, जो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, इसीलिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर शुरू करें इसको स्टार्टिंग से लेके तो आप देखेंगे आज है 28 जुलाई, तो आज भी बहुत सारी वैकेंसी कोई आई हुई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कितनी सारी वैकेंसी है, आप यहां देखेंगे हाइड्रोलिक डिजाइन इंजीनियर, ऑपरेशन HR। अगर आप HR में देखते हैं, ऑपरेशन HR में और चेन्नई में इसकी पोस्टिंग रहने वाली है, पर्टिकुलर हर जॉब की पोस्टिंग अलग अलग होती है, तो यहां MBA मांगा गया है जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। आप देखेंगे जो जैसे आई है कुछ वैकेंसी, जैसे हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर में, L&T हाइड्रोकार्बन में, पावर सेक्टर में, सब में अलग अलग है। तो आप अगर हम ओवरऑल देखना चाहते हैं ओवरऑल हमारी वैकेंसी कहां है, इसका मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है और यहां आपको क्या कर लेना है, 45, तो 45 वैकेंसी एक साथ आपको दिख जाएगी, लेटेस्ट भी ओवरऑल भी सभी वैकेंसी आप देख सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। बट मैं बात करूंगा फ्रेशर वालों के लिए। सबसे पहले HSC इंजीनियर, HSC इंजीनियर कौन होता है, सेफ्टी में। पर्टिकुलर आप HSC में जाके इंटरनल ट्रांसफर करा सकते हैं। मेरे बहुत जानने वाले, जैसे कि आपको बताइए मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड हूँ, तो मेरे बहुत सारे जानने वाले दिल्ली मेट्रो में सिर्फ HSC इंजीनियर हैं, बहुत सारे डिप्लोमा करने के बाद भी है, बहुत सारे BTech करने के बाद भी है। बट BTech और डिप्लोमा दोनों की ही क्राइटेरिया अलग होता है, तो इसीलिए आप देखेंगे ये जो वैकेंसी आई है कब आई है, 28 जुलाई, मतलब आज ही आई है HSC इंजीनियर में। तो HSC इंजीनियर अगर इसको देखते हैं, HSC इंजीनियर में क्या मांगा है इन्होंने, BE BTech मांगी है एनी ब्रांच से, और ये कब आई है एक, अब एक्सपीरियंस कितना मांगा है जी, एक्सपीरियंस मांगा है 1 to 5 years का। अब 1 year का एक्सपीरियंस किस काम के लिए होता है, देखिए एक चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि 1 year का जो एक्सपीरियंस होता है वो स्किल बेस्ड रहता है, बस कि आपकी जो स्किल्स हैं वो कितनी इंप्रूव्ड हुई हैं, प्लस आपका एटीट्यूड क्या है, वर्क एटीट्यूड आपका क्या है। अगर आप वर्क एटीट्यूड आप अच्छा दिखाएंगे तो आपका चांसेस जो होते हैं जॉब लेने के, आगे बढ़ने के, वो बढ़ जाते हैं। तो वर्क एटीट्यूड अपना हमेशा पॉजिटिव रखना है जब आप इंटरव्यू दें। तो इंटरव्यू में याद रखिए दूसरे को जो है ना, आपको जो इंटरव्यू लेता है ना उसको पता रहता है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है। तो जब आप इंटरव्यू देना तो इंटरव्यू को इतना, इंटरव्यूअर को इतना ऐसा अपने मतलब बातों में उलझा लीजिए या फिर उसको ऐसा कन्वेंस कर दीजिए कि नहीं बंदे के अंदर बहुत जान है, अगर ये हमारी कंपनी में रुक गया तो ये बहुत आगे चला जाएगा, तो और हमारी कंपनी को भी आगे ले जाएगा। तो इंटरव्यूअर को ना आपकी पर्सनैलिटी से प्यार होना चाहिए, इस तरीके से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हों। इसके साथ साथ अब मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि इंटरव्यू आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, इंटरव्यू में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको पूरा का पूरा जॉब नोटिफिकेशन बताऊंगा, क्या क्या आपके इंटरव्यू में रहने वाला है, क्या क्या नहीं। आप देखेंगे और भी जो वैकेंसी एक्सपीरियंस वालों के लिए तो बहुत सारी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हर ब्रांचेस के लिए। अगर पर्टिकुलर देख लेते हैं सीनियर इंजीनियर के लिए, जो सीनियर इंजीनियर के लिए और भी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, IR एग्जीक्यूटिव, EHR एग्जीक्यूटिव या EHR, उनके लिए बहुत सारी। अब अगर हम दूसरा पेज देख लेते हैं तो आप इनमें देखेंगे इन्होंने क्या बोला है, सुपरवाइजर लॉजिस्टिक मांगा है SSCM। SCM क्या है, एक डिपार्टमेंट है। तो सुपरवाइजर लॉजिस्टिक आप सबमिट करेंगे तो इसमें BCA और ग्रेजुएशन मांगी है। अब डिप्लोमा वालों की बात, तो डिप्लोमा वाले सोचेंगे यार हमारे लिए तो कुछ नहीं है, तो ऑपरेशन जैसे ही हम इसको 45 पे करके और इसके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, क्योंकि बार बार क्या है हमें थोड़ा सा वर्क करना होगा और ये आपके लिए भी जरूरी है, वैकेंसी आपको भी ढूंढनी पड़ेगी, जितनी चाहे उतनी वैकेंसी आपको मिल जाएंगी, बट आपको क्या है थोड़ा सा इस पे वर्क करना होगा। जब तक आपको वैकेंसी पता नहीं लगेंगी तब तक रिप्लाई तो छोड़िए, कुछ भी आने का चांसेस नहीं होगा। तो
ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी में बंदा चाहिए, इन्होंने इंजीनियर ही चाहिए और 25 जुलाई को आई है। क्या मांगा है? बीई बीटेक डिप्लोमा भी मांगा है। जैसे कि आपने देखा डिप्लोमा वाला सभी हर जगह एलिजिबल है, बस आपको क्या है वैकेंसी ढूंढनी है। यहाँ जब इस वेबसाइट पर आएँ तो आपको भरमार वैकेंसी की मिलेगी, तो आपको वैकेंसी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ सकते हैं, दूसरे को पता मत लगने दीजिए, क्योंकि आपको मैं बताऊँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वैकेंसी ढूंढ लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा में अप्लाई कर देते हैं तो आगे बढ़ने के। अब ये देखिए सीनियर इंजीनियर प्रोक्योरमेंट, एक तो डेजिग्नेशन देखिए सीनियर इंजीनियर लाइफ सेट है, और क्या मांगा है? कुल 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपसे डिमांड की गई है। तो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और प्रोक्योरमेंट में आपको मिलना है। इसके साथ साथ आपसे क्या मांगा है? बीई बीटेक। देखिए यहां आपने 1 साल 1 ईयर इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप भी कर रखी है, आप यहां एलिजिबल हैं, तो आप जो है अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अब फर्दर क्या होता है, कैसे होता है, उसे छोड़ दीजिए, बट आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई का लिंक आपको ऊपर ही दिया गया है, अगर आप इसमें अप्लाई का देख लेते हैं कोई भी चीज़ अप्लाई के लिए, तो आपको अगर कवर लेटर की डिमांड होगी, कवर लेटर मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं कवर लेटर क्या होता है। कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, उसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर आपको कहाँ मिल जाएगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इसके साथ साथ आपको रिज्यूम फॉर्मेट भी मिल जाएगा वहाँ। रिज्यूम फॉर्मेट में क्या है कि अपने जो छोटा सा छोटा रिज्यूम फॉर्मेट मैंने डाला है, जो फ्रेशर और एज वेल एज एक्सपीरियंस दोनों ही उसको यूज़ कर सकते हैं, जितना आपके काम का हो। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है एक फॉर्मेट बना के डाला है जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।